हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे ऐसे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको माल्टा स्टडी वीज़ा इंटरव्यू के क्वेश्चन बताऊंगा, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे और कितने समथिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछे और कितनी देर का मेरा इंटरव्यू रहा। फर्स्टली, जब मैं दिल्ली गया हुआ था एम्बेसी ऑफ माल्टा में इंटरव्यू देने के लिए, सो वहाँ पे दो टीचर थे। सो मैंने फर्स्टली दोनों को गुड मॉर्निंग विश की। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर, द एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट एंड टेल मी योर एकेडमिक बैकग्राउंड। उसके बाद क्वेश्चन था कि वाई यू वॉन्ट टू स्टडी कंटिन्यू, कि आप दोबारा स्टडी अगेन क्यों कंटिन्यू कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मेरा उस टाइम स्टडी में जो गैप था वो 6 साल का गैप था। स्टडी का गैप जो मैंने क्या कवर किया हुआ था एक्सपीरियंस लेटर शो करके, उस टाइम मैंने उनको कैश इन हैंड सैलरी शो की हुई थी 14,500 रुपये। सो मैंने अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि मैं दोबारा स्टडी क्यों करना चाहता हूँ, क्या कुछ कारण से मैंने स्टडी छोड़ी थी, और ये अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो उनका टॉपिक था अबाउट व्हाट इज़ योर फादर ऑक्यूपेशन, एंड मैंने अपने पिता के बारे में बताया कि ही इज़ फार्मर एंड उन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि किस टाइप की फसलें उगाते हैं, मैंने फसलों के नाम बताए और कैसे फसलें उगाई जाती हैं उनके, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक था उनका रिलेटेड टू माल्टा, कि आप माल्टा क्यों जाना चाहते हो, माल्टा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, और आपने माल्टा ही को क्यों चूज़ किया, और माल्टा के फेमस फेस्टिवल कौन से हैं, माल्टा की फेमस डिश कौन सी है। इस टाइप के उन्होंने 5 से 6 क्वेश्चन पूछे अबाउट माल्टा के। एंड उसके बाद जो उनका फर्दर जो टॉपिक था रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी से, कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, पर्टिकुलर आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, और आपने दूसरा कोर्स क्यों नहीं चूज़ किया, और दूसरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज़ की, पर्टिकुलर ही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से, मैंने उनको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन हो रहे थे और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा था कि क्वेश्चन के आंसर दिए मैंने अच्छे से। सो दोस्तों, लगभग मेरा इंटरव्यू जो था वो 4 से 5 मिनट का रहा, और उनमें लगभग आई थिंक 14 से 15 क्वेश्चन पुट किए थे उन्होंने, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हर क्वेश्चन का, अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको बताया। सो जो एग्जामिनर, जो दो एग्जामिनर होते हैं उनमें से एक उसी टाइम ऑन द स्पॉट अपना राइट करता रहता है कॉपी पे, नोटिस करता रहता है भी क्या कुछ वहाँ मिस्टेक कर रहा है, क्या कुछ है, वो सारा उस टाइम ऑन द स्पॉट यूज़ करता रहता है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। सो लास्ट टाइम जब हम भी स्टूडेंट थे इंटरव्यू देने हुए गए थे, लगभग हमने 15 के वीज़े आए थे और 5 के रिफ्यूज़ आए थे, 4 की इंटरव्यू की प्रेपरेशन अच्छी नहीं थी और 1 की फाइल मिस्टेक थी। सो ओबियसली आई थिंक माल्टा का स्टडी वीज़ा डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसी है। अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है इंटरव्यू में, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या क्वेश्चन वो पुट कर रहे हैं और कैसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, सो ओबियसली आपका वीज़ा आएगा, वैन डेफिनेटली आपका वीज़ा आने वाला है। गैप इसमें कोई डजेंट मैटर करता है, आपका क्या कोई स्टडी बैकग्राउंड है, कितने परसेंटेज है, मैटर इतना नहीं करते, बट ऑब्वियसली आपको नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की, कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कैसे बोलना उसके बारे में। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।